हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एराज खान ब्लॉग। तो दोस्तों, इस वक्त हम मौजूद हैं अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के सर सैयद हॉल में और यहाँ पर चल रहा है सर सैयद डे, जो कि सर सैयद अहमद का यौम पैदाइश है। तो आइए देखते हैं कि यहाँ पर क्या क्या प्रोग्राम चल रहे हैं। हम आपको दिखाने वाले हैं इस प्रोग्राम की कुछ झलकियाँ। इस वक्त हम खड़े हुए हैं सर सैयद हॉल में, जहाँ पर सर सैयद डे चल रहा है। और ये आप मेरे पीछे देख रहे हैं, ये आप मेरे पीछे देख सकते हैं, ये डाइनिंग ग्राउंड है। पूरा ग्राउंड ही डाइनिंग ग्राउंड बना दिया गया है, क्योंकि माशाल्लाह काफ़ी लोग हैं। तो फ्रेंड्स, इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं नसीम भाई, और आइए जानते हैं सर सैयद डे के बारे में इन्हीं से कुछ खास बातें, क्योंकि ये यहाँ के स्टूडेंट भी हैं और जितना अच्छे से ये बता पाएंगे ना, मैं नहीं बता पाऊँगा। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो मैं नाज़रीन सर सैयद अहमद ख़ान को खराज अकीदत पेश करता हूँ, क्योंकि आज जो हम जिस शख्सियत का जो है जश्न मना रहे हैं, उनकी पैदाइश तो आज ही के दिन हुई 17 अक्टूबर को, और मैं ऐसी हम लोग ऐसी शख्सियत का जो है जश्न मना रहे हैं जिन्होंने माजी परस्तों को हाल से रोशनास कराया और तवहमात की तारीख दुनिया से निकाल कर तरक्की की राह दिखाई। उन्होंने उम्मत मुस्लिमा में नूर एक नई रूह फूंकी, जिससे मुसलमानों में एक नई सोच परवान चढ़ी और मुसलमानों की बका के लिए अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी जैसे एक अजीम इदारे की बुनियाद रखी। इसलिए अब हमें जो है चमन सर सैयद के नौनिहाल होने की हैसियत से हमारी ज़िम्मेदारी है कि उनके मीरास को बचाएं और उनके जलाए हुए चिराग की रोशनी को पूरी दुनिया में फैलाएं और उनके नकूश को अपनी ज़िंदगी में जो है अमल पैरा हूँ। दैट वॉइस इज दैट ऑफ प्रोफेसर आयशा मुनीरा, सो वी आर थैंकफुल। तो फ्रेंड्स, इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं नवेद आलम भाई, जो कि सीनियर स्टूडेंट हैं। तो मैं पूरे अलीग बिरादरी को इस मुबारक मौके की जो है मुबारकबाद पेश करता हूँ, और तमाम अलमनाई, तमाम असाज़ा इकराम और तमाम स्टूडेंट्स अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को कि ये जो दिन हम सर सैयद आले रहमा की याद में जो मनाते हैं और उनकी टीचिंग्स को, उनकी जो है इस बनाई हुई खूबसूरत यूनिवर्सिटी को हम याद करते हैं कि ये जो देन उन्होंने दी है वो हिंदू मुस्लिम यूनिटी की एक मिसाल है। सैयद यही चाहते थे कि जो है कोई भी तबके का हो, कोई भी रिलीजन का हो, कोई भी जो है कास्ट का हो, वो आला से आला और अच्छी से अच्छी और बेहतर तालीम जो है हासिल करे। आज सर सैयद डे हम इसी याद में सर सैयद को याद करने के लिए मनाते हैं। उन्होंने ये जो यूनिवर्सिटी हमें मतलब एक तोहफे में दी है, ताकि यहाँ बेहतर तालीम के साथ साथ हम बेहतर इंसान बन सकें, ना बल्कि तालीम के साथ साथ ही नहीं बल्कि तहजीब व तमद्दुन भी हम जो है अपने अंदर लाएँ। आप आज इस खुशगवार मंजर को देख सकते हैं कि छोटे से छोटे बच्चे जो हैं यहाँ पे खुशी में झूम रहे हैं, बड़े से बड़े जो है असाज़ा इकराम, प्रोफेसर्स, बाहर से आए हुए देगर मेहमान, चाहे वो जो है अमेरिका से हों, चाहे वो कनाडा से हों, चाहे वो दुनिया के किसी भी कोने से हों, आज वो यहाँ पे आके अपने आप को प्राउड फील कर रहे हैं और वो ये अपने आप को कहते हैं कि वी आर अ प्राउड अलीग, क्योंकि जो उन्होंने यहाँ से सीखा वो पूरी दुनिया में जो है उसका नाम रोशन कर रहे हैं, वो हिंदुस्तान का नाम रोशन कर रहे हैं। सर सैयद डे आने वाला होता है तो काफ़ी दिन से जो है तैयारियां शुरू हो जाती हैं, लाइटिंग, सजावट और मतलब तराने के जो साज हैं वो कानों में गूंजने लगता है, और हमारे अलमनाइज, हमारे असाज़ा, हमारे दीगर मेहमानान जो आज के मौके पे यहाँ पे तशरीफ़ लाते हैं, वो अपनी आँखों से इस खूबसूरत नज़ारे को देखते हैं। और वाकई हम इस चीज़ पे फ़ख्र क्यों ना करें कि हम अलीग हैं, क्योंकि जो हमारे अंदर तालीम है, हम तालीम के साथ साथ तहजीब की भी बात करते हैं कि इल्म कहते हैं कि एक ऐसी कुंजी है, ऐसी कामयाबी का हर ताला खुलता है, ऐसी चाबी है जिससे जो है हर कामयाबी आपके पास आती है और आप उस चाबी से अपनी जो है मंजिल
पा सकते हैं। और हम जानते हैं कि आप देखें ये सर सैयद हॉल नॉर्थ है और आप देखें ये सबसे कदीम हॉल है, तकरीबन 150 साल से ज़्यादा इस हॉल को हो गए हैं। और जब यहाँ पे लोग घूमने आते हैं, इस इमारत को देखने आते हैं जिसको हम हेरिटेज सेल कहते हैं, अगर आप देखें इनको उस टाइम जिस सर सैयद आले रहमान ने बनाया, जो ऑक्सफोर्ड में जाके देख कर आए और उस पैटर्न पे आके यहाँ पे बनाया, और हमारे यहाँ पूरे हॉल के स्टाफ, यहाँ के जो तालिबे इल्म हैं, वो जिस मेहनत से इस दिन के लिए लगते हैं, वाकई वो लगता है कि ये ईद अलीग है। और हमें मतलब एक प्राउड फील होता है, हम इसमें अपनी थकान भी भूल जाते हैं। और मैं बस आखिर में यही कहूँगा कि रंगे निशात दोनों आलम पे छा गया, जिस दिन का इंतज़ार था लो वो दिन भी आ गया। और जो तराना की जो आखिरी लाइन है कि जो अब्र यहाँ से उठेगा वो सारे जहाँ पर बरसेगा। जय हिंद, अस्सलाम वालेकुम। अपने चमन पर बरसेगा, गैरों के चमन पर बरसेगा, हर शहर तरफ पर गरजेगा, हर कसर तरफ पर गरजेगा। अब हमारे साथ मौजूद हैं अजय सिंह यादव जी, जो कि सीनियर स्टूडेंट हैं अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के और इसी हॉल में रहने वाले हैं। तो आइए जानते हैं इनसे सर सैयद डे के बारे में कुछ खास बातें। 12 साल हो गए मुझे अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में, मैं एसएस नॉर्थ में रह रहा हूँ। और लोग आज सर सैयद साहब का जो है हर वर्ष की भांति जन्मदिन मना रहे हैं, और ये हम लोगों के लिए, अलीग बरादरी के लिए खुशी का दिन होता है। ये हम लोगों का त्यौहार है, पर्व, और जिसको हम लोग मिलजुल कर मनाते हैं। और उसके बाद में हम लोगों के यहाँ भोज होता है, सार्वजनिक भोज, जो कि हम लोगों की एकता अखंडता के लिए एक बड़ी मिसाल है। और अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में सर सैयद साहब ने इस दिशा में कहा कि हिंदुस्तान की जो आँखें हैं हिंदू और मुसलमान, मैं इन सर सैयद साहब कहते थे कि हिंदू और मुसलमान हिंदुस्तान की दो आँखें हैं, पर ये दोनों मोहब्बत से आपस में प्रेम और सौहार्द के साथ मिलकर रहें। तो आप लोग देखेंगे कि अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में हम हिंदू मुसलमान विभिन्न धर्मों के लोग, विभिन्न जाति और समुदाय के लोग मिलकर रहते हैं। और आज जो सेलिब्रेशन हम लोग का है, जो पर्व है हमारा, इसमें हम लोग खुशियाँ मनाते हैं और ये हमारा त्यौहार है। तो यहाँ पर सर सैयद डे का प्रोग्राम चल रहा है और सब काफ़ी बिजी हैं। उन सभी भाइयों का शुक्रिया जिन्होंने हमें यहाँ पर इनवाइट किया, यहाँ बुलाया, और मैं फ़र्स्ट टाइम यहाँ आया हूँ, बाय द वे ही इज़ माई ब्रदर। तो उनका बहुत बहुत शुक्रिया जिन्होंने हमें यहाँ बुलाया, और थोड़े से शॉर्ट्स, थोड़े से कुछ हमने यहाँ पर सीन्स ले लिए हैं, तो वही हम आपसे शेयर करेंगे। और बस दोस्तों, यही था आज का एक छोटा सा व्लॉग। बड़े दिन पे सर सैयद डे वाकई में बहुत बड़ा दिन है, क्योंकि जो सर सैयद अहमद ख़ान साहब ने किया वो एक पूरे कौम के लिए एक बहुत बड़ा काम है, एक फिक्र। ये यूनिवर्सिटी सब यूनिवर्सिटी से अलग क्यों है, क्या वजह है कि ये यूनिवर्सिटी जो है वो सारी यूनिवर्सिटीज़ से अलग दिखती है, अलग नुमाया होती है, क्योंकि इसमें सर सैयद का दर्द छुपा हुआ है, वो कौम के लिए दर्द जो उनके अंदर था, और वो निचोड़ के एक यूनिवर्सिटी तैयार हुई और आज इतना बड़ा ये चमन बन चुका है कि मैं आपको बता नहीं सकता। हमें यहाँ तक आने में ही आधे घंटे से ज़्यादा लग गया, इतना ट्रैफिक जाम था, इतने लोग थे सड़कों पर। तो दोस्तों, बहुत कुछ है यहाँ दिखाने को और बहुत कुछ हो रहा है, बहुत खूबसूरत एक माहौल है। लेकिन यही था आज का व्लॉग। अगर आपको व्लॉग पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच।